सेना असुर द्वारा खत्म की जा चुकी है। इस भीषण युद्ध में मेरे सारे योद्धा शहीद हो गए। मुझे गर्व है मेरे योद्धा पर जो आखिरी सांस तक लड़े। मेरे पिताजी ने एक बार कहा था, युद्ध क्षेत्र में आपके शरीर में जब तक रक्त की अंतिम बूंद शेष है, युद्ध समाप्त नहीं होता है। मगर शतरंज के खेल में जीत उसी की है जो आखिरी चाल चलता है। वो असुर वहां खड़ा था। मैं अपनी उखड़ती सांसों को समेटते हुए आत्ममुक्त असुर की तलवार के लहराने और उसे अपने निकट आने की ध्वनि सुन रहा था। मेरे बहादुर योद्धाओं, जब मौत अंतिम पड़ाव नहीं है तो और डर कैसा। सामर्थ्य राजशाही के अंतिम रक्षक के रूप में मुझे बच रह गया देख वो अपनी शक्ति को समझोकर हुंकार भर रहा था। कोई भी जन्मजात योद्धा पैदा नहीं होता है, वो युद्ध कौशल सीखता है और तब तक योद्धा रहता है जब तक कि उसकी आखिरी सांस चलती रहती है। खुद अपने से प्यार को समाप्त करना होगा, परिवार के प्रति अपने प्रेम को समाप्त करना होगा, किसी भी वस्तु से आपका मोह को समाप्त हो जाएगा, जो बच रहेगा वो युद्ध के प्रति आपका प्रेम रह जाएगा। मेरे बहादुर योद्धाओं, इस प्रेम के खातिर युद्ध करो। युद्ध के दौरान ये याद रहे कि सिर्फ हमला करना ही नहीं सीखना है, बचाव करना भी सीखना है। सामर्थ्य द्वितीय मेरे राजा ने मुझे एक बार बताया था, लड़ाई में अपने शरीर और मस्तिष्क दोनों का समान रूप से प्रयोग करो। प्रतिद्वंदी को मानसिक रूप से कमजोर होने दो, उसकी मनोबल को तोड़ दो
उसमें विचलन उत्पन्न कर दो। आपके पिता का रक्त मिश्रित था। यह कितनी शर्म की बात है कि मुझे एक अज्ञात रक्त से लड़ना पड़ रहा है। प्रमेय राजवंश को युद्ध के लिए एक भी असली क्षत्रिय नहीं मिल सका। अपने क्रोध को जाया नहीं होने दो, बल्कि अपने फायदे के लिए उसका प्रयोग करो। मकसद पर से ध्यान नहीं हटे, बल्कि भरोसा अपनी युद्ध निपुणता पर कायम रहे। क्रोध आपकी कमजोरी है। बजाय क्रोध के योगी की भांति शांत चित्त रहो। एक योगी की तरह अंदर से शांत रहो, लेकिन अपने भीतर हिंस पशु को जीवित करो, जो कि दुश्मन की हर हड्डी तोड़ डाले। तुम्हारा प्रतिद्वंदी ऐसा भूल करेगा जरूर, और जैसे ही वो भूल करे, स्थिति का पूरी तरह से अपने नियंत्रण ले लो। उसे पछताने के लिए कोई अवसर न दो। अपनी समस्त संचित ऊर्जा समेट उस पर झपट पड़ो। उसे अपने ही जाल में फंसा दो। वो युद्ध में पीछे हट लौट सके, इसके लिए उसके पास अवसर नहीं बच रहना चाहिए। हमला वहां से होना चाहिए जहां से दुश्मन के लिए बच निकलने की कोई गुंजाइश न रहे। पिताजी ने एक बार कहा था, युद्ध क्षेत्र में आपके शरीर में जब तक रक्त की अंतिम बूंद शेष है, युद्ध समाप्त नहीं होता है।